जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हर समय भला है और उसकी भलाई की बदौलत फिर से आप और मैं हम सभी मिलकर इस ऑनलाइन माध्यम के जरिए प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए एकत्रित हो पाए। धन्यवाद। आशा और विश्वास है कि आप सभी लोग सलामत हो, प्रभु की आशीषों में, प्रभु की संभाल में, हर एक बातों में प्रभु ने संभाला है। विश्वास और आशा के साथ प्रभु का महिमा करते हुए फिर से आइए हम अपने आप को शामिल करते हैं। हम आप स्वागत सर का इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में स्वागत करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में जब हम जा रहे हैं, प्रभु का वचन हमेशा हमें यह कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और जो कोई उसका भजन करता है उसे आत्मा से और सच्चाई से उसका भजन करना चाहिए। हम लोग वर्शिप आराधना अगर कर सकते हैं तो प्रभु का वचन हमें कहता है कि आत्मा और सच्चाई, उसके बगैर शायद हमारी आराधना शारीरिक आराधना बनकर रह जाएगी। आइए प्यारो, सिर्फ शारीरिक आयाम तक अपने आप को सीमित न रखें, पर हमारी आराधना एक आत्मिक आयाम तक ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। प्रभु कहता है सच्चाई के साथ, किसी दबाव में, कोई जोर जबरदस्ती में नहीं, पर अपने मन से, आत्मा से और सच्चाई के साथ। कोई कपट या तो कोई भी किस्म की मलिनता के साथ नहीं। प्रभु से कहे यीशु तेरे लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर, क्योंकि तेरा वचन हमें यह कहता है कि पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा का दंडवत करो, यहोवा की आराधना करो। हमारा परमेश्वर जबकि पवित्र है, वो हमसे भी वो ही स्टैंडर्ड अपेक्षा करता है। धन्यवाद करते हुए पवित्रता के साथ उसके सम्मुख जाए, कहे प्यारो मेरे अपराधों को आप क्षमा करो, मेरे विचारों से किए पापों को मुझे क्षमा करो, जिन जिन बातों से मैं, मेरी आत्मा अशुद्ध या तो मेरा जीवन अशुद्ध हुआ है, प्रभु उन बातों के लिए मुझे क्षमा करो। प्रभु यीशु के लहू से मुझे शुद्ध करे। प्रभु का वचन कहता है कि बलवा करना जोश जोने के समान पाप है। हमने उसकी आज्ञा को नहीं मानी है प्यारो, शायद हमें सामान्य लगता होगा, पर परमेश्वर की नजरों में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पाप या पाप पाप ही होता है, और पाप हमें परमेश्वर के साथ जुड़ने से रोकता है। सिर्फ सच्चाई ही है जो हमें उसके साथ कनेक्ट करती है, और वह सच्चाई यीशु मसीह लेकर आया। उस यीशु ने वो खून बहाया कि जिससे हम हर गुनाह, हर दाग से शुद्ध हो जाए। प्यारे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है इस सुबह को हम सभी को शुद्ध करें, हमारी मलिनताओं से हमें शुद्ध करें, हमारे विचारों से किए पापों से शुद्ध करें, हर एक वो आचरण जो आपकी और हमारी उपस्थिति के बीच में पाप के समान आड़ रूप है, प्रभु यीशु तेरे लहू से उसे मिटा दे। हम कबूल करते हैं प्रभु कि हम अपराधी हैं, आपको और आपकी आत्मा को हमने खेदित किया है, हमें क्षमा करो। हमारे व्यवहार के लिए, हमारी बातचीत के लिए, हमारी सोच के लिए हमें क्षमा करो। पवित्रता के साथ आने के लिए अनुग्रह करें। सिर्फ हम बैठे न रहे, पर हमारी आत्मा, हमारा शरीर भी इसमें शामिल हो, हमारा प्राण, हमारी इच्छाएं भी शामिल हो तेरी आराधना में, हमारा सब कुछ एक ही दिशा में प्रभु तुझे आराधना देने की दिशा में केंद्रित बना रहे।
हम कहीं भी भटक ना जाए इस आराधना के या तो इस वर्शिप ऑनलाइन सर्विस के समय में, कहीं भी हमारा मन कहीं भी भटक ना जाए पिता, पर हम आत्मा से जुड़े रहे परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह हम सब पर होने दीजिए प्रभु। शैतान की हर रुकावटों को, बाधाओं को हम यीशु के लहू में बांधते हैं और उसे निष्फल करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस मौके के लिए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते, इसे कबूल करें, आप अगुवाई करें, यीशु के नाम में आमीन। भजन संहिता 103 उसकी कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी और विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। वरन 11वीं आयत से कहती है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर सदा दया करता है। हालेलुया। सच में हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हुए, क्योंकि जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर भी अपने डरवैयों पर वैसी ही दया करता है। आइए उस दयालु परमेश्वर के लिए, जिसने हमको नाश होने से बचा लिया है, जिसने हमारे सारे अधर्मों को क्षमा किया है, जिसने हमारे जख्मों को मिटा करके उसके आनंद से भरा है, फिर से नया बनाया है, हमारे टूटे दिलों का सहारा बन गया है, हमारे अंधेरी रातों में, हमारे दुखमय समय में कोई साथ ना हो, हो या ना हो, लेकिन वो सदा साथ रहा है। आइए उस परमेश्वर को पूरे धन्यवादित हृदय के साथ महिमा दे, आराधना करें। ये जो समय मिला है, पूरे आदर के साथ अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दे, क्योंकि उसके जैसा और कोई नहीं।
मर के भी जिंदगी दे दे मुझे अपने ऐसा खुदा है कहाँ जो मेरे दिल की सुने खुद मर के मुझे उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। जब मैं अकेला पड़ा था तू बनकर साथी मेरे पास आ गया। हालेलुया। आप अभी जहां कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाकर कहिए, प्रभु तू मेरे अकेलेपन का साथी है, मैं गिरा हुआ था, तूने मुझे उठाया है, अपने बाहों में लेकर मुझसे प्यार किया है। वो ऐसा ही परमेश्वर है जिसने अपने मेरे और आपके प्राणों के लिए उसने अपने खुद के प्राणों को बहुमूल्य न समझा, वरन अपने आप को उसने हमारे लिए बलिदान कर दिया ताकि मैं और आप हम सब बचाए जाए। ऐसा और कौन हो सकता है? उस खुदा का नाम है यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। जब वो मिला तो हमको रास्ता मिला है, वो मिला तो हमको जीवन मिला है, यीशु मिला तो हमको आशा मिली है। प्रभु हम तेरे शुक्रिया कैसे अदा करें? हमारे पास शब्द नहीं है। अब जहां कहीं भी है आज परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है, चाहे बिस्तर में भी पड़े हुए क्यों ना हो, अपने हाथों को उठाकर कहिए मेरे साथ,
पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन सिर्फ यीशु है जो अपने जीवन को बहुमूल्य नहीं जानता, लेकिन वो आपको और मुझे हमारे जीवन को बहुमूल्य जानता है, जो खुद को बलिदान कर अपने आप को बचाना चाहते हैं। इन दिनों हम बहुत कुछ सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि लोग पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, अमीर बनने के लिए क्या क्या कर जाते हैं, लोगों को किसी बात की कोई चिंता नहीं है। दुनिया में ऐसा है, लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर है वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, सच में I'm privileged कि तू मेरा प्रभु है, मैं तेरी बेटी हूं। आप कह सकते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है और मैं उसका बेटा हूं। I'm privileged, यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है कि उसने मुझे ढूंढ लिया है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करके खड़े हो जाइए प्यारों, हाथों को ऊंचा करें, उस खुदावन परमेश्वर को महिमा दें। ये दुनिया के लोग सच में, जैसे प्रभु की दासी ने कहा कि वो हमारी जेब झटक झटक कर निकाल लेंगे, एक पाई भी नहीं रख छोड़ेंगे, पर हमारा खुदा ऐसा है जिसके पास आप और मैं आए हैं, वो हमारा लूट नहीं लेता है पर वो खुद को लुटा देता है हमारे लिए प्यारों। वो उसकी महिमा की विरासत इतनी बड़ी है कि वो कभी भी खत्म नहीं होती है। वो अपने प्यार को लुटा सकता है, वो सब कुछ दे सकता है आपको और मुझको। जो अपने आप को बाकी न रख छोड़े वो क्या रख छोड़ेगा आपके लिए। विश्वास कीजिए उस खुदावन परमेश्वर को, आपकी कमी घटियों में, आपके अकेलेपन में, आपकी तंगियों में, जब आप अकेले थे, आप खाली थे, जब आपके पास कुछ न बचा था, जब आपके दोस्त चले गए थे, कौन था जो आपके बगल में खड़ा था, कौन था जो आपको कंधा दे रहा था। ऐसा खुदा है कहां, आपके होठों पर बात भी ना आई, आपके दिल से निकली हुई बात को उसने सुन लिया।
इतना महान खुदा है प्यारो, हालेलुया। वो आपको और मुझको गिरा हुआ नहीं देख सकता है, वो आपको और मुझको हारा हुआ, हार की ओर जाता हुआ नहीं देख सकता है। वो खुदा है प्यारो हमारा यीशु, जो अपनी जान देकर भी खट्टे में से बाहर निकाल लाता है हमें, चाहे वो अंधकार की खाई हो या आग की खाई हो, कोई भी खाई आपको और मुझको अपनी गहराई में खींच नहीं सकती है, क्योंकि यीशु ने अपनी जान देकर आपको और मुझको बचा लिया है। हालेलुया, उसके प्यार के लिए अपने हाथों को उठाइए। वही है जो साथ निभा सकता है, क्योंकि जान देने वाला हर हमेशा तैयार रहता है, वो हर समय में तैयार रहता है। जो जान नहीं दे सकता है वो शायद बहानेबाजी करेगा, आपके जीवन में बहुत सारी जगह खाली रख छोड़ेगा वो, पर जो जान दे सकता है वो सारी खाली जगहों को भर देगा, क्योंकि वो आपको कमी घटियों में या अकेलेपन में देख नहीं सकता है। हालेलुया, ऐसा खुदा है कहां जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी जिंदगी दे दे मुझे तोहफे में। ऐसा खुदा है कहां जो मेरे दिल की सुने, खुद मर के भी करके एक और गीत गाएंगे। गीत के शब्द कहते हैं, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, ना रथ ना घोड़े तुझे विजय दिलाएंगे, पर जब साथ है यीशु तो हम जीत जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी का भरोसा रथों पर, किसी का घोड़े पर, लेकिन मेरा भरोसा तो सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर है, क्योंकि मुझे विजय उसी से आने वाली। हालेलुया, इन दिनों की परिस्थितियां हम देखें तो न हमारे पैसे हमको बचा सकते हैं, न हमारी बड़ी बड़ी पहचान या बड़े बड़े डॉक्टर या बड़ी बड़ी दवाइयां, लेकिन आप देखो चारों तरफ जब महामारियों से लोग घिरे हुए हैं, परेशान और तकलीफ में हैं, लेकिन हमारा भरोसा, हमारी आशा और हमारा जीवन तो सिर्फ यीशु मसीह है, और हमें विजय भी उसी से मिलती है। आज ये गाना आपको और मुझे एक याद देता है, एक मजबूती देता है, एक नई ताकत और सामर्थ देता है कि मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे लिए लड़ने वाला तो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, आनंद के साथ ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा कीजिए। क्यों तू डरता है, तेरे
समझ पाते हैं कि प्रभु जिसको चुन लेता है हर हाल में उसको बचाता है। दाऊद को परमेश्वर ने चुना था। दाऊद ने कोई उम्र नहीं देखी कि ये मैच्योर हो जाए, इसमें बुद्धि का परिपूर्ण हो जाए ये बुद्धि से फिर मैं इसको चुनूं। पर प्यारो, वो हमारी साइज को नहीं देखता है, वो हमारे कद को नहीं देखता है, वो चुन लेता है, वो हमें तैयार करता है प्यारो। और जब चुन लेता है हर एक भाले से, हर एक तलवार से, हर एक बर्छी से और शत्रु के हर एक वार से वो बचाता है। हालेलुया, वो खुदावन परमेश्वर है प्यारो, जिसको आप और मैं छोटा नहीं समझ सकते हैं। उसके चुने हुए लोग चाहे जितने भी छोटे हो, पर परमेश्वर बड़ा है प्यारो। और शत्रु चाहे जितना भी बड़ा हो, पर हमारा परमेश्वर से बड़ा कभी भी शत्रु बन नहीं सकता है प्यारो। हालेलुया, आपके और मेरे पक्ष में जो है वो इस संसार में विजयी हुआ है, वो है प्यारो। और इसलिए आप और मैं हार नहीं सकते हैं। हालेलुया, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य की लड़ाई क्यों ना हो, चाहे वो हमारे जीवन की कोई भी क्षेत्र की लड़ाई क्यों ना हो, विजयी आप और मैं होकर रहेंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है प्यारो। आप और मैं क्यों डरे? उसकी प्रजा को जिसने भी ललकारा है उन्होंने मुंह की खाई है, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के साथ था प्यारो। हालेलुया, जब दाऊद अकेला था पर उसके साथ परमेश्वर था। उसने कहा कि मैं इसके नाम से आता हूं गोलियत तेरे सामने, सेनाओं के यहोवा के नाम से। हालेलुया, उसका नाम भी काफी है प्यारो हमारे लिए। हालेलुया, वो यीशु इमानुएल आप और आपके और मेरे साथ है, जिसने हमें ऐसे हथियार दिए हैं, कहते कि रूहानी हथियार, आत्मिक हथियार उसने हमें दिए हैं, जिन हथियारों के आगे शैतान का कोई भी हथियार कामयाब नहीं हो सकता है प्यारो। और इसीलिए प्रभु ने कहा है कि शैतान का सामना करो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान भाग निकलेगा। मैदान आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, मैदान उसको छोड़ना पड़ेगा प्यारो। आप डटे रहे, यीशु आपके साथ है। हालेलुया, आपको मैदान नहीं छोड़ना पड़ेगा। आप उन क्षेत्रों के अधिकारी हो जाओगे लड़ाई लड़ते लड़ते, जो क्षेत्र आपके कब्जे में न थे वो सारे क्षेत्र आपके कब्जे में आ जाएंगे, क्योंकि यीशु आपको वो सब कुछ देना जानता है और किस तरीके से देना है वो भी जानता है प्यारो। आप निर्भय बने रहे, ना हिम्मत मत हो, अपने मन को कच्चा मत होने दो। याद रखें, जिन
जिस दाऊद के साथ यीशु परमेश्वर यहोवा बना रहा वो ही आपके साथ है। हालेलुया। वचन पर है वो कभी टलेगा नहीं, वो कभी गिरेगा नहीं, वो कभी डिगेगा नहीं, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। हालेलुया। शैतान अपनी लड़ाइयां झूठ के द्वारा जीतता है प्यारा, आपको पता है शैतान जीतता है क्या पता है? जब उसका झूठ लोग स्वीकार कर लेते हैं, उसके झूठ को ग्रहण कर लेते हैं, तब लोग हार जाते हैं। पर जब तक हम प्रभु की सच्चाई पर अड़े रहते हैं, उसके झूठ को नकारते रहते हैं, हमारे लिए संभव ही नहीं कि हम हार जाएं। हालेलुया। क्योंकि सच में, सत्य में वो ताकत है, छुड़ाने की ताकत। हालेलुया। सत्य में वो सामर्थ्य है प्यारो, जो यीशु मसीह ने परमेश्वर की सामर्थ्य को हमारे लिए उपलब्ध कराई है। हालेलुया। और इसीलिए आप और मैं जब उसके वचन को ले लेते हैं,
उसके वचन पर खड़े रहते हैं, आप और मैं डूब नहीं सकते। अब नूह को याद करिए प्यारो, सारा संसार, सारी पृथ्वी और पृथ्वी का कोना कोना एक एक लोग डूब रहे थे और डूब कर खत्म हो गए, पर नूह और उसका परिवार खत्म नहीं हुआ। हालेलुया, यीशु के वचन में वो ताकत है प्यारो, जब कोई उसके बात पर भरोसा कर लेता है, यीशु ठान लेता है कि किसी भी हालत में इसको मैं हारने नहीं दूंगा, इसको मैं लज्जित होने नहीं दूंगा, क्योंकि इसने दुनिया की कोई बात को, किसी भी इंसान की बात को नहीं थामा है, उसने मेरी बात को थाम लिया है, उसने मेरे वचन को पकड़ लिया है और किसी भी हालत में मेरे वचन को छोड़ नहीं रहा है ये। और प्रभु हर हाल में उसका साथ निभाता है और उसको छुड़ाता है, हारने नहीं देता। इसलिए हम ये गाना गा रहे हैं कि क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। कौन लड़ता है आपकी और मेरे लिए? कौन लड़ाई लड़ता है आपकी और मेरी लड़ाई? यीशु लड़ता है। कोई रथ और घोड़े नहीं लड़ते हमारे लिए। आपके पास चाहे जितने भी घोड़े और रथ हो, आपके पास जितनी भी ताकत हो, सब कुछ फेल हो जाएगा। इतिहास कहता है प्यारो कि जिनके पास बड़े बड़े रथ, बड़ी संख्या में घोड़े और बड़ा सेनाओं का बल था, वो लोग हार गए मुट्ठी भर लोगों से। परमेश्वर ने अपने लोगों को जीत दिलाई है प्यारो, वो आज भी वैसा ही है, वो आपको जीत दिलाएगा। भले आप अकेले हो, आपके पक्ष में कोई खड़ा हो या ना हो, पर आपके पक्ष में सेनाओं का परमेश्वर है। सेनाओं का परमेश्वर, द लॉर्ड ऑफ होस्ट, सेनाओं का परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया, आप और मैं हार नहीं सकते हैं, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हालेलुया, वो महान खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, सच में वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमें बचाने के लिए ये व्यवस्था रखी है। हालेलुया, बाइबल का वचन कहता है कि एक माता अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा आपको और मुझे कभी नहीं भूलेगा। इतना गहरा उसने प्यार किया है हमसे, और क्रूस पर उसने अपनी जान को देकर हमें यह दिखाया है कि देख बेटा, देख बेटी, मैंने तुझसे कितना प्यार किया है। आज यदि आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, उस क्रूस की ओर देखिए, जो क्रूस यीशु ने हमसे बेपनाह प्यार करने की वजह से ही उठाया था। हाँ प्रियो, वो आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, आइए हम मिलकर के गाएंगे, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। और आज उस परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करिए, सिर्फ गाने के लिए नहीं, लेकिन सच में उसने बहुत ही गहरा प्यार किया है। Mas
यदि आप में से किसी को भी ये लगता है कि मेरा प्रभु शायद मुझे भूल गया है, मैं पापी हूँ इसलिए भूल गया है, शायद किसी को इसी गलतफहमी हो सकती है, मैं परमेश्वर के विरोध में चला इसलिए परमेश्वर मुझे भूल गया, मैंने ऐसा किया है इसीलिए मैं ऐसी विपत्ति में पड़ा हूँ, लेकिन ये झूठ है जो शैतान आपको कह रहा है। परमेश्वर का वचन तो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मत डर, मैं सदा तेरे साथ हूँ। हालेलुया। आइए विश्वास के साथ अपने हाथों को उठाकर कहे कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी
यह समय है वर्शिप को पूरा करने का, पर मैं कहना चाहता हूँ प्यारो, कल ही एक न्यूज मैंने सुना था जिसमें एक छोटे से कटोरे में एक नवजात शिशु को त्याग दिया था और नदी में छोड़ दिया था और लोगों के हाथ में वो शिशु आया, उसको प्रभु ने संभाला था, वो जिंदा था। कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार के संबंध मिट सकते हैं, पर जिसके साथ आपने नाता जोड़ा है वो अनंत तक आपका साथ निभाएगा। वो इस संसार में सब छोड़ दे तो भी वो नहीं छोड़ेगा प्यार। और इसीलिए हम ये गा रहे हैं कि मां से गहरा है प्यार तेरा। यशाया में लिखा है कि मैंने तेरे नाम को, मैंने तुझे मेरी हथेली में खोद के रखा है। आज मातृदिन है, मदर्स डे, हमें याद दिलाता है कि मेरा परमेश्वर मां से भी गहरा प्यार करने वाला खुदा है। आपके मां या बाप हो या ना हो, पर दोनों का फर्ज आपका यीशु निभाएगा प्यार। वो आपकी मां बनेगा, वो आपका बाप बनकर आपके साथ रहेगा, ना सिर्फ इस दुनिया में पर आने वाले काल में भी। लिखा है कि वो एक एक आंसुओं को पोछ डालेगा। वो खुदा है प्यारो, उसको पता है आप क्यों रो रहे हो। आपके बगल में आपके करीबी व्यक्ति को भी नहीं पता होगा कि आप क्यों रोते हो, आपके आंसू किन बात के लिए हैं, पर वो खुदावंत सब कुछ जानता है प्यारो कि आपके आंसू किन बातों के लिए है। सच में प्यारो, मां से गहरा है प्यार तेरा यीशु, तेरा प्यार मां से गहरा है प्रभु। हालेलुया। इस संसार की मां शायद छोड़ सकती है, शायद ना भी समझे, शायद अपने प्राणों को भी दे दे, पर प्रभु तू ऐसा है कि जो हर हाल में हमें बचा लेगा, हर हाल में हमें छुड़ा लेगा, हर हाल में हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। तेरे गहरे प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, हम स्तुति करते प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए प्रभु, जो तूने हम पर जाहिर किया। थैंक यू प्रभु, इस आराधना करने के अवसर को आपने हमारे जीवन में रखा प्रभु। जो भी समय हमें मिला उसमें हम आपकी महिमा कर पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता। इस आराधना के, इस होठों के अर्पणों को आप कबूल कीजिए प्रभु, यीशु के नाम में, आमेन।